पत्रकारों पर केस करेंगे। हमको भी पत्रकार लोग गाली देता होगा कभी ना कभी, मैं हर पत्रकार के साथ खड़ा होऊंगा। हिम्मत है तो हम पर हमको आप मरवाइए और हमको जेल भेजवाइए। तेजस्वी जी जो आत्महत्या की बात आई है ना, ये फांसी लटका लिया, उसके फोटेज होंगे ना। यदि महाराष्ट्र में और किसी कार्टूनिस्ट को अरेस्ट करता है किसी पत्रकार के स्वतंत्र विचारों को, और आप भी केस करते हैं पत्रकारों पर, तो फिर फायदा क्या है? लेकिन बिहार और बिहारियों को मरने नहीं देंगे। और अब मैं जा रहा हूं अगला सप्ताह तमिलनाडु। नमस्कार। गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती, और अपनी गलती को छुपाने के लिए ना जाने कितने सच को बलि का बकरा बना देना है। एक मानवता के लिए नासूर बन जाता है। तमिलनाडु की घटना लगातार, गोपालगंज से लेकर के मधुबनी के अंडराठारी, जहां जयकुमार की मौत हो गई है, गोपालगंज में मौत हो गई, वहां के डीएम हमको मैसेज करते हैं कि बेंगलोर में लाश मिली है। मैं बार बार चैलेंज किया हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो क्या यह सिर्फ संजोग है कि लगातार मौत तमिलनाडु के मजदूरों की अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटना में हो रही है। कहीं आत्महत्या, कहीं ट्रेन, कहीं आपसी रंजिश। उत्तर प्रदेश, झारखंड के मंडल, कोडरमा, जमुई, देसरी, गोपालगंज, ये तो लगभग लाश को वहां दबाए जा रहे हैं। केस में एफआईआर लॉज नहीं हो रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये भी संजोग है कि सब एक ही साथ हो रहा है और सब हिंदी भाषी लोगों के साथ ही हो रहा है। कुछ दलाल पत्रकार की बात मत करिए, ये दलाल पत्रकार, जातिवादी पत्रकार लोग जो हिंदू मियां को गाली देते हैं, जातिवादी पत्रकार है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। जो कंप्लीट निष्पक्ष हो, जो किसी भगवान धर्म को गाली ना देता हो, अपनी बात कहने का सबको राइट है, अपनी जाति का बात कहने का भी राइट है, दलित का बात कहने का राइट है, किसी जात के बात कहने का भी राइट है, लेकिन किसी जाति को किसी कारण से गरियाने का राइट नहीं है, किसी मुसलमान हिंदू को गरियाने का राइट नहीं है। और ऐसे लोग सही नहीं होते जो कोई कुरान शरीफ, कोई रामायण पर टारगेट करे, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई भूमिहार, कोई जादव पर टारगेट करे, किसी एक शोषण के कारण दूसरे शोषण को नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो लगातार घटना घटित हो रही है, और उसके बाद जो डिप्टी सीएम साहब लगातार आपका हंटर, आपके अनिल सैनी जी एक्स राज्यसभा एमपी ने लिखा है उस घटना के बारे में, नीतीश जी ने लिखा है, अमर उजाला ने लिखा, सबसे पहले नवभारत ने लिखा, कई लोगों ने लिखा। मैं मानता हूं जरूरी नहीं है कि आज जो अच्छा है कल अच्छे खराब नहीं थे, जो कल अच्छे थे आज खराब नहीं हो सकता, लेकिन बीजेपी और आप में तेजस्वी जी फर्क क्या है? यदि महाराष्ट्र में और किसी कार्टूनिस्ट को अरेस्ट करता है किसी पत्रकार के स्वतंत्र विचारों को, और आप भी केस करते हैं पत्रकारों पर, तो फिर फायदा क्या है? आप ये बताएं ना, क्या यह सही है? क्या अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप टारगेट करेंगे, और वो भी जाति आधार पर पत्रकार को टारगेट करेंगे? मैं इसके विरोध में हूं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। जाति आधार पर पत्रकारों का, आपकी कोई भी आलोचना करे, आपके खिलाफ कोई हो सकता है, इसका मतलब वो लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, व्यक्ति के खिलाफ होने का मतलब संविधान का खिलाफ नहीं, पप्पू यादव के खिलाफ होने का मतलब जाधव का खिलाफ नहीं, पप्पू यादव का मतलब जाधव नहीं हो जाएगा, जाधव से पप्पू यादव है, पप्पू यादव से जाधव नहीं है। आप लोगों ने ठीका ले लिया है कि हमसे जाधव है। तेजस्वी जी इतना ही अहंकार है ना, तो जाधवों को लाठी उठाना और लाठी चलाना बंद करवाइए।
है हिम्मत, उसको कहिए दूसरों को तंग ना करे, राइफल की गोली ना चलाए। नोगचिया में अभी चेयरमैन ने गोली चलाया, है हिम्मत आपकी बोलने के? लगातार कई जगह सबसे ज्यादा पीटे जाते हैं, ज्यादा मारे जा रहे हैं ज्यादा, और लगभग घटना यादव के दबंग लोग कर रहे हैं, आप रोकते क्यों नहीं? आप इस पर काम करिए ना, आप पलायन ना हो उस पर काम करिए ना, फैक्ट्री खुले आपके ही राजद के पास तो फैक्ट्री है, खोल दीजिए सारी फैक्ट्रियां, है हिम्मत तो पलायन को रोक दीजिए। है चैलेंज करते हैं हम आप सबको, है हिम्मत तो रोकिए, नई फैक्ट्री जब तक खोलते हैं मनरेगा के चीजों को बढ़ा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं आपको। कोरोना में आने के बाद रोक क्यों नहीं लिए, क्यों जाने दिए, और गया तो लौटा क्यों नहीं लेते हैं? और मैं आपसे कह रहा हूं कि लगातार यह घटना घट क्यों रही है, अफवाह के कारण इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती, लोगों ने डर देखा है तब चले। अब जहां से लोग आए वहां जाते क्यों नहीं है? अररिया में डैगर खा के जो लोग आए वो गांव में जाइए पूछिए पूछिए कि कैसे मारा उसको डैगर, वो भी गलत है जिसको डैगर मारा गया, और उसके बाद आप गलत तरीके से अपनी बातों को सही ठहराने के लिए पत्रकारों पर केस करेंगे। हमको भी पत्रकार लोग गाली देता होगा कभी ना कभी किसी न किसी बात पर, हमने आपको कहा हमको गाली गलो, किसी ने कहा एक नौटंकी ने छपरा की घटना में एक व्यक्ति ने जिसका कोई मुराद नहीं उस फालतू जिसकी जिंदगी हम बचाए वो फालतू बात कर रहा था, हमने केस की, हमने उनको डराया, क्या हम नहीं लड़ सकते हैं? क्या हमको ताकत नहीं है उसके खिलाफ खड़े होने की? लेकिन नहीं, आप ताकत से किसी से नहीं लड़ सकते ना जीत सकते, गोली मकसद नहीं है, एक गोली एक आदमी को मारेगा तेजस्वी जी, और यह हाथ लाखों को प्रणाम करेगा, एक तोप एक माल्ले को उजाड़ सकता है, लेकिन एक सोच पूरे देश को बना सकता है, बनाइए ना। और एक आग्रह है, जो आपके खिलाफ हो जाए या किसी सत्ता और सीएम के खिलाफ हो जाए, पीएम के खिलाफ हो जाए, वह लोकतंत्र का संविधान का दुश्मन नहीं हो सकता, वो कानून का दुश्मन नहीं हो सकता, इसीलिए केस करना वापस बंद करिए और जाइए जहां जहां से लोग आ रहे हैं। गोपालगंज आपका है ना, कल मैं जा रहा हूं, आप वैसे भी मर के आए तो दे दीजिए 20-20 लाख रुपया और इंक्वायरी बैठा दीजिए, आप मुख्यमंत्री जी से बोलिए कि सीबीआई इंक्वायरी कर दे, गलत सही का पता चल जाएगा। और तेजस्वी जी जो आत्महत्या की बात आई है ना कि फांसी लटका लिया, उसके फोटेज होंगे ना, पहला चैलेंज मैं कर रहा हूं, दूसरा अररिया को जो डैगर लगा उसके फोटेज देख लीजिए, और डीएम कह रहे हैं आपके गोपालगंज में लाश मिले बेंगलोर में, तो काम जब यहां कर रहा था कर्नाटक में एक दिन पहले उसका मोबाइल लोकेशन देखिए कितने घंटे पहले था तमिल में, और कितने घंटे बाद उसका मोबाइल लोकेशन कहां चला गया, जांच का विषय है या नहीं? जो वो कह देंगे हम मान लें। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं, प्लीज लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए, विचारों की स्वतंत्रता रहने दीजिए, अभिव्यक्ति की आजादी से जीने दीजिए, सारे जाति धर्म मजहब को अपने अपने धर्म पर जीने का राइट है, अपने अपने मजहब पर चलने का राइट है, अपने अपने ढंग से खाने कपड़े पहनने की आजादी होनी चाहिए, और अपनी तहजीब से संस्कार से संस्कृति से जीने की आजादी मिलनी चाहिए। यदि इस कंट्री में बोलने की चलने की आवाज देने की आजादी ना हो तो फिर गृहयुद्ध की स्थिति होगी, युद्ध होगा, और यदि आप ऐसे करते रहेंगे तो मैं हर पत्रकार के साथ खड़ा होऊंगा। हिम्मत है तो हम पर हमको आप मरवाइए और हमको जेल भेजवाइए, मैं तैयार हूं, आपके कोरोना में भेजे थे ना जेल हमको कि नहीं भेजे थे? 5 महीना हम जेल में रहे थे ना, हम फिर रहेंगे 5 महीना जेल में,
लेकिन बिहार और बिहारियों को मरने नहीं देंगे। और अब मैं जा रहा हूं अगला सप्ताह तमिलनाडु, मैं एक एक घर एक एक जगह जाऊंगा। जब तक आप नेताओं को नंगा नहीं करूंगा आप चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।